हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज की वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि परसेंटाइल कम आई है क्या, एनआईटी मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट के ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत पूछते हैं कि जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं अगर आपने जेई मेंस क्लियर नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई, ये सब कॉलेज हुए केवल आपके आईआईटी को छोड़ के। आप कोई भी कॉलेज बिना एडवांस क्लियर किए, यानी कि बिना एडवांस के आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, यानी कि आप जेई मेंस से, केवल जेई मेंस का स्कोर से आप अपने जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपने जेई मेंस क्लियर किया हो या एडवांस दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल जेई मेंस के स्कोर से बैठ सकते हैं। तो इस वीडियो कम्प्लीट देखना, क्योंकि इसमें मैं कॉलेज की कट ऑफ वगैरह बताऊँगा, ओपनिंग कट ऑफ और आपकी क्लोजिंग कट ऑफ वगैरह, जिन NIT, ट्रिपल आई टी, GFTI की कम जाती है, अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बताऊँगा जो आपको ईजिली मिल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है NIT रायपुर। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जो है ये आपकी ओपनिंग रैंक है, सेकंड क्लोजिंग रैंक है। ओपनिंग रैंक आप समझ रहे होंगे 535, ये क्या मतलब, ये ऑल इंडिया रैंक जा रही है नहीं, ये कैटेगरी वाइज आपके स्टेट से ऐसे जा रही है, आप कैटेगरी वाइज जा रही है, आप समझ जाना। ये मैंने जनरल वगैरह के लिए लिख दिया, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट बता के मुझसे कमेंट सेक्शन में इंडिविजुअली पूछ लेना, क्योंकि ये लिस्ट एक जनरल लिस्ट बना दी है मैंने यहाँ पर। तो आपकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पे उसे आपके सामने दिखाना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पता। आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कोई भी डाउट हो। NIT रायपुर, रोरकेला, सूरत, श्रीनगर, सिलचर, सिक्किम, सूरतकाल, तिरुचिरापल्ली, उत्तराखंड, आप देख सकते हैं। आप इसमें NIT सिक्किम की कट ऑफ देखिए ज़रा, NIT सिक्किम की कितनी कम जा रही है, यानी कि ये समझ लीजिए जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी कट ऑफ चली गई होगी, जो लास्ट कट ऑफ जो गई थी क्लोजिंग रैंक। यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो NITs में सीट्स भी फिल नहीं होती हैं। स्टूडेंट कहते हैं NIT नहीं मिलेगा, अरे इतनी परसेंट 90 पे ही नहीं मिलेगा, इतनी पे नहीं मिलेगा। अरे आप इसकी कट ऑफ देखिए, आप NIT सिलचर की देखिए, आप NIT श्रीनगर की देख लीजिए, सूरत की देखिए, काफ़ी कम जा रही है इन सब की। तो आप देख सकते हैं इजीली मिल जाएगा, राउरकेला की भी देख लीजिए, NIT रायपुर, इन सब की क्लोजिंग कट ऑफ है ये रैंक। और आपको कोई भी डाउट हो आप कैटेगरी वाइज पूछ लेना। नीचे वारंगल की है, आपको शो नहीं हो पा रही होगी, आप देख लेना, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा है, 25,741 है। तो NIT वारंगल काफ़ी अच्छा NIT माना जाता है। NIT तिरुचिरापल्ली की भी 27,085 है, उसकी उससे ज़्यादा, जबकि NIT तिरुचि ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं सूरतकाल की भी कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके NIT रायपुर की कम, इन सभी कम है। कितने सारे NITs हैं इसमें कम है, मैं आगे और भी कॉलेज बताऊंगा अभी, तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। NIT रायपुर और के लिए सब तो हो गए थे, सूरतकाल, तिरुचिरापल्ली, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जमशेदपुर की देख लीजिए आप, और कुरुक्षेत्र की देखिए, NIT कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा फील के कमेंट्स आते हैं। तो मैं बता दूँ, हरियाणा वाले स्टूडेंट NIT कुरुक्षेत्र को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी ये ना मिले तो अपना YMCA फरीदाबाद, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप उसे ले सकते हैं। NIT जो नॉर्थ ईस्ट का आप इन्हें देखिए, इनकी कट ऑफ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जाती है, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर NIT का केवल टैग चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट के NITs तो कहीं नहीं गए, मतलब इजीली आप देख सकते हैं सारे NIT जो हैं, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सारे NITs ही काफ़ी। NIT नागपुर की भी यहाँ पर काफ़ी कम है, जो भी NIT नागपुर जो हमारा काफ़ी कम है उसकी भी, NIT पटना की भी काफ़ी कम गई थी लास्ट ईयर। आप अपना कैटेगरी वाइज पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं इंडिविजुअली डाउट क्लियर जरूर करूँगा, रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप देखिए काफ़ी कम जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मिल जाएगा कॉलेज, और नहीं मिलता है तो आपको पेशेंस रखना हो। कैसे, एक तो मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे कॉलेज फिल करने हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा भी और डिटेल में, जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको नोटिफाई जरूर करूँगा। और जोसा में आप पहले बिलीव रखिए, आप अपनी तरफ से अच्छे से कॉलेजेस को फिल किए, अच्छे से ब्रांचेस को फिल किए कीजिए, उसके बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप CSAP काउंसलिंग का वेट कीजिए। CSAP से भी नहीं मिलता तो आपके स्टेट के कॉलेज होंगे काफ़ी अच्छे जो आपको मिल जाएंगे, और भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ईजिली आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम स्कोर पर या बिना स्कोर के, तो आप ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट देखिए NIT अगरतला का देख लीजिए, काफ़ी कम जा रहा है। इलाहाबाद का थोड़ा सा ही है, देखो NIT इलाहाबाद अच्छा NIT माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश का तो काफ़ी कम है, भोपाल का भी सही गया है, जबकि NIT भोपाल बहुत ज़्यादा अच्छा NIT नहीं माना जाता है। NIT कालीकट, NIT दिल्ली आप देख सकते हैं 30,000। तो कहने का मतलब यही है, आपको केवल पेशेंस रखना होगा, ये नहीं है कि अरे अब तो हमें कुछ मिलेगा, कहीं आप उस आफड़ तफड़ी में या तो जोसा में ना बैठे बैठें तो ऐसे ही कुछ कॉलेज भर दें ऐसे तुक्के से, वो तुक्का तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है कुछ भी, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर कोई बेकार कॉलेज, नीचे कोई अच्छा कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं करना। और मॉक राउंड जो उसके होते हैं फिर उस पर भी ध्यान ना देना,
तो इसलिए मैं कहता हूँ आप वीडियोस देखते रहा करो, उससे आपको पता चलती रहेंगी चीज़ें। मैं जब मॉक राउंड इसका स्टार्ट हो जाएगा जब भी मैं आपको बताऊंगा, जब भी मैं आपके साथ आपको गाइड जरूर करूंगा। और अब भी आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, क्योंकि यही टाइम है जब आप कहीं ना कहीं से प्रॉपर गाइडेंस ले लो और आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें करनी है। यार जो गलती बहुत लोग कर देते हैं वो आप ना करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो काउंसलिंग में हो जाती हैं और जो बहुत बड़ा इफेक्ट कर देती हैं आपके कॉलेज पे। हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा हो सकता है आपको अच्छी ब्रांच मिल रही हो, लेकिन उसकी वजह से नहीं मिल पाती। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है और अच्छे से सारी चीज़ें करनी है, काउंसलिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से करनी है। मानो जो समय नहीं हो पाता तो आप सीसैप काउंसलिंग बैठी, काफ़ी अच्छी सीसैप काउंसलिंग होती है, कम रैंक वालों को कॉलेज मिल जाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट आपको सीसैप का मिलेगा यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट आप देख सकते हैं IIIT UNA, देखो IIIIT UNA जो आपके हिमाचल प्रदेश में है वो अच्छा IIIIT माना जाता है, सोनीपत आपका, कल्याणी, गुवाहाटी, तो आप देख सकते हैं गुवाहाटी की 35,592, कोटा, जो IIIIT गुवाहाटी, जो इसको कंपेयर मत करना NITs से, जो नॉर्थ ईस्ट के NITs हैं उससे अच्छा है IIIIT गुवाहाटी, जो IIIIT गुवाहाटी वो अच्छा IIIIT माना जाता है, IIIIT यूना सोनीपत। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा भी नहीं जा रही है जो आप डर जाते हैं। और ये केवल मैंने एक कैटेगरी की जनरल की ले लिया, आप यहाँ पे मुझसे इंडिविजुअल अपनी कैटेगरी वाइज पूछ सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप भी जानते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन पे सारी कैटेगरीज के लिए और सब डिफाइन करना। आप तो EWS भी है, तो EWS वाले स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो वो ही पूछ लेना, और बस टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी कॉलेज आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, तो कोई भी कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा यार। और NIT को प्रेफरेंस दिए, सारी ब्रांचेस बढ़ी ऊपर से लेकर नीचे तक, जितनी भी CAC से ECE से लेकर आपको जो भी मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, जितनी ब्रांचेस मिली वो फिल कर दीजिए। उसके बाद IIITs में सारी ब्रांचेस फिल की, GFTIs में करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में करिए, अरे किस में नहीं मिलेगी, किसी न किसी में मिलेगी। नॉर्थ मैं तो कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के NITs वगैरह में ही भरो, अगर आपको अपनी फेवरेट ब्रांच मिल रही है, मानो आपको CAC चाहिए, CAC मिल रही है, तो कौन सी दिक्कत है उनमें, क्या आप करियर नहीं बना सकते, अच्छी प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हैं, उसके बाद आपकी सीसैप काउंसलिंग है वो काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको दिला देती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ईजिली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लो जेई मेंस स्कोर आया है, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी 80 से परसेंटाइल कमाई है मुझे कमेंट करके बताना, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो निकालूँ ना, कैसे कैसे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं स्टेट वाइज। तो मैं सोच रहा हूँ 5-5, 6-6 या 10-10 स्टेट्स करके अलग अलग निकालूँ, पहले 10 स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, फिर 10 स्टूडेंट्स के जिनकी परसेंटाइल कमाई है केवल उनके लिए निकालूँ ये वीडियोस। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो यार कमेंट करके बता देना, मैं बना दूँगा, कहीं मैं बेकार बनाऊँगा आप लोग ना देखो, तो बता देना मैं बना दूँगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सबको पता चले, और वीडियो को शेयर जरूर करना है, फैला दो वीडियो को, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।